हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा रखी है और मम्मी को नहलाया है, मम्मी का सर भी धोया है। तो मम्मी यहीं धूप में ही बैठे हुए हैं, धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो सुबह के जो काम है, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह, वो करने के बाद छत पर आ गए थे हम दोनों ही, और दुकान पर अभी बैठा हुआ है। और ये गए हैं पापा जी को लेकर डॉक्टर के पास। तो मौसम देखिए कैसा हो रहा है, धूप भी आ रही है और कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। तो कपड़े धो लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो बैंगन के पौधे लगा रखे हैं ना, तो उसमें फूल भी आ गए हैं, लेकिन बंदरों का कुछ पता नहीं कब। आधे कपड़े धुल चुके हैं, आधे अभी रहे हैं, और इसी बीच मैंने अपना सर भी धो लिया है, क्योंकि बार बार फिर ऊपर नीचे जाने में ना दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं यहाँ का जो काम है वो निपटा कर ही जाऊँगी। अगर दुकान पे कोई आ गया तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो सिर वगैरह धोने के बाद अपना जो यहाँ पे थोड़ा बहुत झाड़ू का साफ़ सफाई का काम है वो भी बीच बीच में कर रही हूँ। छोटे मोटे जो काम है वो चलते ही रहते हैं, साथ में मशीन भी चल रही है। तो जो कपड़े मेरे सूख चुके हैं उसे मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने ड्रायर होने के लिए रखे थे कुछ कपड़े। तो तब तक अपना सिर भी धो लिया है और कपड़े निकाल कर मैं लगा दूँगी सूखने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस टाइम 10 बज रहे हैं सुबह के। तो मम्मी को नहला दिया है, सर भी धो दिया है, कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ अभी रहे हैं मशीन में ही पड़े हैं, और अपना सर भी धोया है। कल धोना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, सूट वगैरह तैयार करने थे तो आज सर भी धो लिया है। तो ये पापा जी को लेकर गए हैं दवाई के लिए, पता नहीं क्या हो रहा है, पापा जी को बेचैनी बेचैनी बहुत होती है। PGI ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं है जिसे हमने छोड़ा हो, क्योंकि जहाँ भी कोई बताता है वहीं हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बेचैनी का कोई इलाज नहीं है। कोई भी दवाई नहीं देते कि भाई इसकी कोई दवाई नहीं है। घूमना फिरना है लेकिन पापा जी घूमते फिरते बिल्कुल भी नहीं हैं, तो शायद इसीलिए होगी। और कुछ उम्र का भी हिसाब है, उम्र भी हो गई है। फिर मम्मी के सिर में तेल भी लगाना है, तब तक मम्मी का सर भी सूख जाएगा। और यहाँ पे मुझे झाड़ू लगानी थी लेकिन इसका भी टाइम नहीं है, पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। दुकान पे कोई आ गया तो फिर बीच में ही काम छोड़ के जाना पड़ेगा। सुबह के काम ही छोटे मोटे जो हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह वो हो चुकी है। कपड़े कल धोए थे बहुत ज़्यादा, तो एक दिन कपड़े ना धोए ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल जो कपड़े हैं थोड़े से वो धो लेते हैं,
मम्मी धूप में ही बैठे हुए हैं, उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है जब से बीमार हुए हैं। तो जी कपड़े धो चुके हैं, चप्पलों की आवाज़ ना ऐसी आती है जब पानी लग जाता है ना, तो कपड़े धुल चुके हैं और जो चादरें वगैरह उठा रखी है ना, तो यहाँ पे चादरें बिछा देती हूँ पहले, क्योंकि बेड की चादर भी मैंने धोई और अभी चाय भी बनानी है मुझे। पहले चादरें बिछा देती हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी, फिर दुकान का देखते हैं। तो चाय बाद में बनाऊँगी, पहले बिंदी वगैरह लगा देती हूँ, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता ना। और सुबह सुबह अगर लग जाए तो ठीक है, वरना सारा दिन ना ऐसा ही रहता है। तो पहले तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ। मैं ना आलस कर जाती हूँ अपने लिए, अच्छी आता है वैसे जो सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं अच्छी तरह से, लेकिन मुझे गंदी आता है ये, वही सिंपल सा बस अपने बिंदी, थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक बस। हो गए हम तैयार, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। और अभी सिर गीला है तो बस मेरा सिंपल सा मेकअप, मुँह पे कुछ नहीं लगाया है, बस बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, और कई मैंने लिपस्टिक का ही सिंदूर भर लेती हूँ मैं। चालू काम करती हूँ मैं अपने, बस थोड़ा बहुत जो किया, मलाई भी की थी, मलाई से घी निकाला था तो उसके भी बर्तन पड़े हैं। तो बीच बीच में चुटुर पुटुर जो छोटे छोटे काम होते हैं वो तो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा दिखाएंगे ना अपना छोटे छोटे काम भी तो फिर ब्लॉग आप लोग समझ सकते हो कितना हो जाएगा। तो बेड में से निकालनी है चादर, और पापा जी को जो बेचैनी होती है ना, तो उसका अगर किसी के पास कोई इलाज कोई घरेलू उपाय है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि हम लोग PGI भी जा चुके हैं, PGI कम से कम हमने 20-25 चक्कर लगाए होंगे पापा जी के चक्कर में ही, क्योंकि पापा जी के टेस्ट वगैरह पूरे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है। तो अपने इधर उधर के डॉक्टर हैं उनको भी दिखा दिया, और जिन्होंने भी बताया किसी भी डॉक्टर के बारे में तो वहाँ भी हम लेकर गए कि भाई अपनी तरफ से देखो, अपनी तरफ से करना है, बाकी जो किस्मत में है वो तो सहना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुकान पे आया कोई, लेकिन कोई नहीं है। बाहर भी चलते रहते हैं ना सड़क में, तो ये लगता है कि दुकान पे कोई आ गया है। तो किसी को भी अगर देखिए कपड़े गीले, तो किसी को भी अगर इसके बारे में पता है बेचैनी की कोई दवाई कोई घरेलू उपाय तो प्लीज़ बताएं, बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। तो पहले मैं चादर बिछा देती हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। चाय बन चुकी है, आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय, वो भी गर्मी में, गर्मा गर्म चाय गर्मी में। कम ही है अम्मी, वो सारी कर दी। चाय पीते हैं जी हम बैठ कर यहाँ पे। पापा जी तो आए नहीं थे, तो डॉक्टर 10 बजे बाद ही बैठे ना। चलो दिखा ले एक बार तसल्ली कर ले, क्या करेंगे आप।
मुझे चाय पीते हैं पहले। सूख गया रहने दो, फिर अभी गिल्ला है तो रहने दो। आज अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ही लिया है तो घर पे ही फेशियल करते हैं, जिसके लिए मैंने टमाटर लिया है, बेसन लिया है, कच्चा दूध लिया है, चीनी ली है। और पहले हमें चाहिए टमाटर। टमाटर को मैं पहले कट कर देती हूँ। तो ये देखिए टमाटर को कट कर लिया है। अब इसमें ना थोड़े थोड़े चाकू के साथ ही छेद कर लूँगी और इसमें डाल देंगे हम पीसी हुई चीनी जो मैंने घर में ही पीसी है, तो पीसी हुई चीनी ली है, इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे चीनी ले ली है मैंने और सबसे पहले हेलमेट लगा लेते हैं ताकि बाल ना आए आगे। तो देखिए फेस मैंने पहले ही साफ कर लिया था अपना। तो पहले करेंगे हम टमाटर और पीसी हुई चीनी। साबुत चीनी भी ले सकते हैं लेकिन आप उसे अगर थोड़ा हल्का पीस लेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा मोटे दाने होते हैं। तो इसे हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता मसाज। तो यहाँ पे टमाटर से हमें 5 मिनट के लिए मसाज करनी है, वो भी हल्के हाथ से। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाज करते हुए। तो फेस साफ कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक रुमाल ले लिया है। आप सूती कपड़ा भी ले सकते हो, स्पंज भी ले सकते हो, लेकिन मैंने रुमाल ही लिया है। तो पहले फेस को साफ कर लेते हैं और दूसरा स्टेप करते हैं। उसके लिए फिर से मैंने टमाटर ले लिया है और इसमें चाकू के साथ ऐसे ही छेद कर लिए हैं। और इसमें डाल दिया मैंने चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर ही डाल दिया मैंने बेसन। बेसन थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। और फिर से हमें करनी है 5 मिनट के लिए मसाज, वो भी हल्के हाथों से। तो 5 मिनट के लिए मसाज कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं करते हुए। तो ये देखिए हल्दी और बेसन दोनों ही लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो 5 मिनट के लिए मसाज करते रहेंगे इसे आहिस्ता आहिस्ता से। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाज करते हुए। तो फिर से फेस साफ कर लेते हैं और अब बनाना है हमें फेस पैक। तो फेस पैक भी इन्हीं से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे फेस साफ कर लिया है मैंने। तो बनाना है हमें पैक, जिसके लिए मैंने ले लिया है बेसन 1 चम्मच और इसी में ही डाल दिया है हमने थोड़ा सा टमाटर का रस। थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा कच्चा दूध, इसी से अच्छी तरह से चला लेंगे। तो यहाँ पे पैक बन चुका है। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहना देंगे जब तक कि पूरी तरह से सूख ना जाए। तो यहाँ पे फेस पैक को 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसे करना है हमें साफ। तो एकदम से नहीं धोएंगे, पहले टमाटर के साथ ही 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे, वो भी हल्के हाथों से। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं मसाज करते हुए, अब फेस धो लेते हैं। तो ये देखिए फेस धो लिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से सुखाना है हमने को। तो इसे पोंछ लेते हैं। तो फेस को सुखा लिया है मैंने अच्छी तरह से। और अब आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हो, मलाई लगा सकते हो घर में ही। तो मैं नारियल का तेल लगाऊंगी, तो नारियल का तेल लेते हैं, 2-4 बूंदे ही ली हैं। और बस इससे करनी है हमें 2 मिनट के लिए मसाज। नारियल का तेल सबसे बढ़िया है। फिर हमारा कंप्लीट हो चुका है घर में ही सस्ता टिकाऊ फेशियल।
मम्मी को ना अगर कोई बात समझानी हो या मम्मी को हमें कोई बात समझानी हो और हमें समझ में ना आए ना, तो गुस्सा मम्मी का ना ऐसा होता है, तो समझ सकते हैं क्योंकि दूसरे को उस बात समझानी भी मुश्किल होती है। तो मम्मी के सिर में मैंने तेल लगाया उसके बाद, और दोपहर के खाने में हमने खिचड़ी बनाई है, तो जब तक खिचड़ी बन रही थी तब तक मैंने मम्मी के सिर में तेल भी लगा दिया। तो यहाँ पे कपड़े भी सूख चुके हैं, मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी। और कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि घर में ही मैंने आज फेशियल किया है और साथ में मम्मी का गुस्सा भी रहा है, क्योंकि मम्मी जब बात समझाते हैं और ना समझ में आए ना तो गुस्सा उन्हें बहुत आता है। और यहाँ पे गमलों में मेरे फूल खिले हुए हैं, धूप में ना बहुत अच्छे खिलते हैं ये वाले फूल। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं जी, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। और अब दोपहर का खाना खाएंगे, दोपहर के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी खिचड़ी बनाई है। और यहाँ पे जो मैंने बैंगन के जो पौधे लगा रखे हैं ना, उन्हें देख कर ना मन खुश हो जाता है, बस बंदर इसका नुकसान ना करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।